भगवान जहां जहां जा रहे हैं, जो जो दर्शन पा रहा है, सब परमानंद में डूब जाते हैं। इस प्रकार से भगवान नगर भ्रमण करके फिर से गुरुदेव के पास चले आए। संध्या हुई, आरती हुआ, भोजन प्रसाद करके सब रात्रि में विश्राम करने गए। विश्वामित्र जी के दोनों चरणों को, एक पांव को राम जी दबाने लगे, एक पांव को लक्ष्मण जी दबाने लगे। जब विश्वामित्र जी सो गए, फिर जब राम जी के सोने की बारी आई, तो भगवान राम के पांव को श्री लक्ष्मण जी दबाने लगे। अच्छा देखिए, किसी किसी की आदत होती है कि लोग प्रेम भाव में आकर के, अगर कोई आया हुआ है घर पे अतिथि, तो उसके हाथ पांव दबाने चले जाते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम घंटों तक पांव ही दबवाते रह जाएं, सामने वाले के भी विषय में सोचना चाहिए। एक गुरु जी थे, अपने चेले से पांव दबवा रहे थे, रात के 12 बज गए, तो उस बच्चे से पूछते थे, ये बताओ तुम कितने भाई हो? तो लड़का कहता था, 3 भाई हैं। अच्छा अच्छा, फिर 1 घंटे सो लेते थे, फिर 1 बजा, कहा तुम कितने भाई हो? 3 भाई हैं। करते करते 3 सुबह हो गई। गुरुजी ने फिर पूछा, तुम कितने भाई हो? लड़के ने कहा, हम 2 भाई हैं। गुरुजी ने कहा, 2? अभी तो कह रहे थे 3। चेले ने कहा, अगर ऐसे ही सेवा करता रहा तो जल्दी ही 2 हो जाऊंगा। तो सामने वाले के भी विषय में थोड़ा सोचना चाहिए। भगवान राम भैया लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं, और सबसे अंत में लक्ष्मण जी सोए, और सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए। प्रातः काल हुआ, राम जी श्री लक्ष्मण जी स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के, मन में विचार आया, गुरुदेव स्नान करेंगे, पूजन के लिए पुष्प चाहिए। गुरुदेव से आदेश लिया, गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो हम सभी, हम दोनों भाई मिलकर के आपके पूजन के लिए पुष्प लेकर के आए। गुरुदेव ने आदेश दिया है। अब भगवान श्री राम महाराज जनक की योग वाटिका में गए, पुष्प वाटिका। उस पुष्प वाटिका में पहुंचे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया कि समया जानी गुर आया सुपाई, समया जानी गुर आया सुपाई, चले तो भाई। अरे भूप बाग पर देख जाए, रहे लो लागे बेटा मनोहर नाना, लागे बेटा मनोहर नाना, अरे बर बेली बिता, जाता को खिला खीरा चकोरा, अरे जाता को खिला खीरा चकोरा, पूजा तभी हागा नटत काला
विहग नथ कर मोरा भगवान राम महाराज जनक की योग वाटिका में पहुंचे। ऐसी दिव्य वाटिका महाराज जनक की कि उस वाटिका में मानो कि बसंत ऋतु आया तो गया ही नहीं। सारे पुष्प, सारे पेड़, सारे पौधे सब नव पल्लवित हैं। उस पुष्प वाटिका के मध्य में एक सरोवर है जिसके सप्त सोपान सात सीढ़ियां मणियों से जड़ित हैं। और उस पुष्प वाटिका में आज पांच प्रकार के पक्षी हैं। कौन कौन? कीरा, चकोरा, ये जो चार पक्षी हैं ये आपस में बात कर रहे हैं। कूजत बिहग, ये चार पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन जो पांचवा पक्षी मोर है वो बात नहीं कर रहा है, वो नृत्य कर रहा है। नटत कल मोरा, मोर नृत्य किए जा रहा है। और ये जो पांच प्रकार के पक्षी हैं, पांच प्रकार के भक्त हैं, भगवान के स्वरूप बना करके भगवान का दर्शन करने आए हैं। अर्थ, आर्त, ज्ञानी, जिज्ञासु। पहला भक्त, पहला पक्षी अर्थ के कारण आया भगवान की शरण में, दूसरा आर्त के कारण आया, तीसरा ज्ञानी है जो भगवान को जानता है, चौथा जिज्ञासु है जो भगवान को जानना चाहता है। ये चार प्रकार के जो भक्त हैं आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन जो पांचवा पक्षी मोर है वो भगवान का भक्त है, वो बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नृत्य किए जा रहा है, नृत्य किए जा रहा है। कहते हैं ना, अगर जो भक्त होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, उनके तो नेत्र ही बोलते हैं।